महिलाओं ने बेडरूम लाइफ कैसे एंजॉय करना चाहिए उसके बारे में आज बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और सेक्स के बारे में काफ़ी कॉल्स, ऑडियो कॉल्स आते रहते हैं। आजकल तो महिलाएं भी काफ़ी सारी कॉल्स करती रहती, पूछते रहती है कि उनके पति को इच्छा नहीं है, उनका पति इतना रोमांटिक नहीं है, उनको मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब ऐसे काफ़ी सारे सवाल उनके भी रहते हैं। तो इसलिए मैंने महिलाओं के लिए स्पेशली वीडियो बनाया हुआ है। महिलाओं ने ना अपने पति को बोलना चाहिए और वो बोलने के लिए अपने बारे में पता होना चाहिए कि भाई अपने को खुद को कहाँ टच किया तो अच्छा लगता है, अपना मूड कब बनता है, कौन से एरिया में टच किया तो अच्छा लगेगा, ऐसा अपने बारे में मालूम होना चाहिए ना कि भाई कभी मूड रहता है कभी मूड रहता नहीं। एमसी आती है महामारी, उसके पहले इरिटेबिलिटी रहती है, उसके बाद में एक आध दिन इरिटेबिलिटी होती है, तो वो बोलना चाहिए कि नहीं भाई ऐसा ऐसा है, अपने खुद के खुल के बोलना चाहिए ताकि फिर पति की अपेक्षा है वो तरह उस तरह फिर बदलते रहेंगी, बदल जाएंगे, वो समझ जाएगा। तो खुल के बताना जरूरी है और अपने बारे में बताना जरूरी है, अपने बातें में खुद को मालूम होना भी जरूरी है। पति को खुल के क्या बोलना चाहिए कि नहीं ठीक है मेरा मूड नहीं है आज, बोल देना ना मूड नहीं है करके, या आपको ओरल सेक्स अच्छा लगता है तो बोलो ओरल सेक्स अच्छा है। कोई महिलाओं को कान को चुभाए तो अच्छा लगता है, यहाँ कान बोले तो बहुत एक्साइटमेंट का एरिया हो सकता है, किसका ब्रेस्ट हो सकता है, किसकी निपल ज़्यादा होती है, किसके जो शोल्डर्स है ये बाहों ये ज़्यादा होती है, किसकी हिप्स है, किसको थाइज अच्छी लगती है, तो मतलब किसको क्लाइटोरल स्टिमुलेशन में बहुत ही, वो तो सभी को मज़ा आता है, मतलब कोई औरतों को क्लाइटोरल स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो भी उन्होंने बोलना चाहिए कि भाई कहाँ कहाँ टच किया तो अच्छा लगेगा, कहाँ हक किया तो अच्छा लगेगा, कहाँ किस किया तो अच्छा लगता है, ऐसा खुल के अपने पति के साथ में बोलना जरूरी है। फिर उसका इंटरेस्ट आता नहीं है तो उनको अप्रिशिएट करना, पति को अप्रिशिएट करना, वो दिखते कैसे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं तो उनके ड्रेस के बारे में अप्रिशिएट करना, उनके अपीरेंस के बारे में अप्रिशिएट करना, उनको अच्छा लगेगा ना। ऐसा नहीं कि उसने पति ने मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए, आपने भी करना चाहिए। कुछ महिला ऐसे बोलती नहीं नहीं हमारा पति है ना हमारे से आदर ही नहीं करता, हमको रिस्पेक्ट नहीं देता। कुछ लोगों की ऐसी हो सकती है कि शादी जबरदस्ती हो गई स्त्री की, मतलब उसका वो भी बॉयफ्रेंड था शादी नहीं करने दिया, यहाँ जबरदस्ती शादी करवा दिया, तो वो भी होता है। तो इच्छा नहीं है तो भी खुल के एक बार बात कर दिया तो अच्छा रहेगा, मगर कभी भी ये बात उलट सकती है क्योंकि यदि शकीला पति है तो फिर वो प्रॉब्लम कर लेंगे, मतलब शादी के तुरंत बाद ये कुछ बोलना नहीं चाहिए कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड ऐसा था या पहला ऐसा टूटा हुआ था या पहले, कुछ नहीं बोलना चाहिए। कुछ दिन होने दो, पति का एक बार मालूम होने दो क्या है क्या नहीं, मूड कैसा है, शकीला है क्या, बाद में बोलना है नहीं तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए शादी जबरदस्ती हो गई है या बॉयफ्रेंड है उसके बारे में तुरंत भावनाओं में आके पहले बोलना नहीं चाहिए। क्या होता है कि शादी के बाद में हनीमून जाते फिर बोलते कि बताओ बताओ तुम्हारे बारे में, तुम्हारा कौन सा बॉयफ्रेंड था, क्या था वगैरह, ये भी पूछते तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी क्या वगैरह वगैरह, उसमें फिर बोल देते हैं, बाद में झगड़े बहुत होते हैं, फिर हमारे पास में आते रहते हैं। तो वो भी है, फिर आफ्टर प्ले अच्छा लगता है कोई औरतों को, मतलब एक बार इजैकुलेशन हो गया तो आफ्टर प्ले अच्छा लगता है कि भाई बाद में हक करना, किस करना, पकड़ के रखना, बातें करना हो अच्छा, तो वो भी बोलना चाहिए कि आफ्टर प्ले करो या आउट प्ले करो। या क्लाइटोरल स्टिमुलेशन अच्छा लगता है तो वो भी बोलना चाहिए कि नहीं क्लाइटोरल स्टिमुलेशन अच्छा करो। या कोई स्पेशल पोजिशन अच्छी लगती है कोई, किसी को जो है वो पर्टिकुलर पोजिशन, मेरे अनेक वीडियोज अलग अलग पोजिशन के बारे में है, तो भाई ये पोजीशन में मुझे अच्छा लगता है, आनंद आता है, किसी को बैठ के आता है, किसी को डॉगी पोजीशन में आता है, किसी को फीमेल सुपीरियर में आता है, तो जो पोजीशन में आपको अच्छा लगता है वो पोजीशन बोलना चाहिए कि भाई मुझे वो पोजीशन अच्छी लगती है। ऐसा नहीं कि पति की इच्छा होगी उसने बोला करो मैंने हाँ बोल दिया सेक्स हो गया नो चले गए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। फिर कभी कभी सेल्फ डाउट रहता है महिलाओं को अपने बारे में, खुद के बारे में कि मैं मोटी हूँ, मैं बहुत ही दुबली हूँ, या मैं काली हूँ, या पिंपल्स है, या मेरा दिखना अच्छा नहीं है, या मेरे स्ट्रेच मार्क्स है एब्डोमेन के ऊपर, या मतलब ऐसा कुछ ना कुछ ऐसे उनके अपने बारे में डाउट रहते हैं, क्या मेरा हस्बैंड मुझे पसंद करता है कि नहीं करता है, ऐसे डाउट। तो ये डाउट कभी रखना नहीं है, डाउट सेल्फ डाउट जो है वो एक पॉइजन है, खुद को मारते रहता है। फिर आप ऐसे बेड पे जाना है कि जैसे कोई शादी में जा रहे, सज धस के जाओ। क्या होता है बहुत सारी औरतें जब बेड पे जाती है तो ऐसे जाते कि मतलब खाना पकाने के बाद में समझो तेल भी उड़ा है ना आंख के ऊपर, या कोई मतलब साड़ी खराब हुई है या नाइट ड्रेस खराब हुआ है या उसके ऊपर दाग पड़े हैं, दिन भर के कपड़े गंदे, उसको बांस भी आ रहा है, पसीने का बांस आ रहा है, तो ऐसे ही जाएंगे बेड के ऊपर, बेड साफ सुथरा नहीं है,
रूम में बांस आ रहा है, कोई मतलब गंदा बांस आ रहा है, या मतलब अच्छा बांस आ रहा, खराब बांस आ रहा है भाई, या मतलब स्नान करके जाओ, कभी भी अपने प्राइवेट पार्ट साफ करके जाना चाहिए और एकदम फ्रेश होकर जाना चाहिए, सज धज के जाना चाहिए। ऐसे कोई शादी में रिसेप्शन में जा रहे हो, कोई पार्टी में जा रहे हो, ऐसा जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस अब सोने जा रहे चलो कैसा भी चलता है। क्या होता है कि शादी के पहले एक दूसरे को जब मिलते हैं तो बहुत ही मेकअप करके मिलते हैं, और अभी बेड के ऊपर जाते हैं तो एकदम ही डाउन, बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। फिर नहीं साधा है कि ट्रस्ट इशू, यदि आपका खुद का कोई अफेयर है, स्त्री का खुद का अफेयर है, और वो एक उसको खुद के मन में डाउट है, उसके बारे में मालूम पड़ेगा क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई चल रहा है कोई उसका गड़बड़, तो वो भी रिजॉल्व होना बहुत जरूरी है। या हस्बैंड के बारे में यदि ट्रस्ट इशू है तो वो भी कंफर्म करना, मालूम करना, उसके बारे में जानकारी करना, बोलना, क्लियर कट डाउट नहीं रखना चाहिए, दोनों भी, खुद का भी होगा तो भी और हस्बैंड का होगा तो भी, क्योंकि डाउट जो है वो आगे फिर बहुत झगड़े लगवाता है। किसी के ऊपर डाउट होगा तो बाद में दिमाग खराब हो जाता है, झगड़े होते रहते हैं, प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। फिर स्त्री को यदि कोई दर्द है नीचे, वजाइना में दर्द है, वजाइनिज्मस है, या वहाँ सूजन आई हुई है, कुछ भी तरह से नहीं जमता है, स्पाज़म है, तो बोलना चाहिए कि नहीं भाई मुझे दर्द होता है, उसका इलाज करना जरूरी है। फिर स्त्री को कभी थकान आ सके ना, दिन भर काम कर रहे हैं, बच्चे हैं, थकान आ गई है, या जॉइंट फैमिली है, सवेरे से रात तक काम ही काम, काम ही काम चालू है, झंझट झगड़े, बच्चों का मतलब परेशानी बच्चों की, तो वो भी बोलना चाहिए कि नहीं भाई मैं बहुत थके हुए हूँ, अभी मुझे इंटरेस्ट नहीं है, वो बोले तो अच्छा रहेगा। फिर काम का यदि प्रेशर है, घर के काम का प्रेशर है, या स्त्री यदि कहीं सर्विस कर रही है, या प्रोफेशनल है, या बिजनेसमैन है, वहाँ का प्रेशर है, वो घर पे लाया हुआ है, तो वहाँ का मतलब बिजनेस प्रोफेशन का या नौकरी का प्रेशर हो या घर का प्रेशर हो, टेंशन है, स्ट्रेस है, वरी है, तो उसमें भी बेडरूम में बराबर परफॉर्मेंस होता नहीं है। फिर नेक्स्ट ये देखना चाहिए कि पति रोमांटिक नहीं, ऐसे कहीं स्त्रियां बोलती रहती कि पति रोमांटिक नहीं, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं, वो देखता भी नहीं, वो कोई मेरी तारीफ करता नहीं, ठीक है छोड़ दो, आप तो रोमांटिक बन सकते हैं, अपने में देखो क्या मिसिंग है, आप कभी खुद होके हक कर सकते हैं, खुद होके किस कर सकते हैं, खुद होके उसको गिफ्ट दे सकते हैं, प्रेजेंट दे सकते हैं, उसकी तारीफ कर सकते हैं, उसके अपीयरेंस के बारे में तारीफ कर सकते हैं, तो यह संभव है, आपको उसको सुन सकते हैं, लिसन कर सकते हैं। और तो बोलते कि मैं क्यों करूं, बोलो तो आपको यदि इंटरेस्ट है और आपको यदि एंजॉयमेंट करना है, और हस्बैंड उतना एंजॉय नहीं कर रहा है तो आपको करना पड़ेगा ना, वो एंजॉय नहीं कर रहा है तो आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा करो करके, क्योंकि वो कभी ऐसा होता है बहुत बार कि उसको परफॉर्मेंस आता है, और हमारी तरफ जो लोग आते हैं उसका इरेक्शन होता है, लिंग में कठोरता आती है, वो करता है, मगर खुद होके नहीं बोलेगा, उसको जबरदस्ती करना पड़ता, बोलना पड़ता, तो फिर आता है करेगा, मगर उसको इनिशिएटिव औरत ने लेना पड़ता है, तब वो करता है, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं होती, प्रॉब्लम है, इच्छा नहीं होती भी प्रॉब्लम है, मगर है तो जैसा भी अपना पति है वैसा उसको एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो, और वहाँ से देखते हैं कि भाई नहीं ठीक है, मुझे इनिशिएटिव लेनी है, मुझे उसको रोमांटिक बनाना है, ये रिलेशनशिप में मुझे रोमांस करना है, तो आपका बेडरूम लाइफ बहुत अच्छा जाएगा, और बेडरूम लाइफ यदि अच्छा जाता है तो लाइफ अच्छा जाएगा। ये सभी पति पत्नियों को, अपने जो दोस्त हैं उनको सबको शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है, तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की, और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।